मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी, अभी अभी एक ऐसा खबर आया है, इसको सुनने के बाद सारे का दिल दहल जाएंगे, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। चलिए क्या बात है, अभी तुरंत का ये खबर है, क्या खबर आया है, चलिए मैं सारा चीज बता रहा हूँ। इसमें बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों को सुनकर पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। चलिए मैं सारा चीज बताता हूँ। पहला बात, आप लोग बात कर रहे थे बीएड वाले को अलग किया जाए, डीएड वाले अपना पक्ष रख रहे थे, पर यहां पर ऐसा मैटर आया कि एग्जाम रद्द को लेकर बात किया गया। ये एग्जाम रद्द को लेकर कौन बात किया गया है, कौन किए हैं, चलिए सारा चीज मैं बता रहा हूं। सारा बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं हर एक पॉइंट में गौर करिएगा। ये बहुत ही बड़ा खबर है, ये बहुत ही बड़ा फैसला है जो फैसला लिया गया है। आप लोग का टीईटी का जो शिक्षक संघ का अध्यक्ष है, ये हाईकोर्ट में आज एक याचिका दायर किए हैं। ये किस चीज को लेकर किए हैं, एग्जाम रद्द को लेकर, जो बिहार शिक्षक बहाली जो हुए हैं ये एग्जाम रद्द को लेकर मांग किए गए हैं। ये कौन सा ग्राउंड पे ये एग्जाम रद्द कर रहे हैं, मैं सारा चीज बता रहा हूं। किस प्रूफ से एग्जाम रद्द होना चाहिए, किस हक से एग्जाम रद्द होना चाहिए, ये सारा चीज मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं। पहली बात, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि बीएड वाले को प्राथमिक में नहीं लिया जाए, इसके बाद भी ये नोटिफिकेशन निकाले और एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, जो कि पहला यहां पर नियम के विरुद्ध काम किया गया है। पहला कारण, जिस कारण से, जिस वजह से एग्जाम रद्द करना चाहिए, यह चीज जो याचिका दायर किया गया है इसमें सारा चीज लिख कर दिया गया, कल इसका सुनवाई है। सारा बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला था, तब फिर ये एग्जाम क्यों लिए, इसके पीछे का इनका मंशा क्या था, तो इसके कारण एग्जाम रद्द होना चाहिए। दूसरा मेन बड़ा बात, जब नेगेटिव मार्किंग का बात जो निकाला गया था, जब नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, सारा चीज कर दिया गया, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया, जो कि नियमावली के एक तरह से विरुद्ध थे, जो कि नियम के विरुद्ध थे, ये नहीं होना चाहिए। यह दूसरा मेन बड़ा कारण है जिसके कारण एग्जाम रद्द होना चाहिए। और तीसरा, आप लोग को पता है कि नियमावली जो निकला है इसमें 75% इनको फुल करना है, स्टूडेंट को भाई इनको लेना ही है। यहां पर बात करते हैं कि प्राथमिक में मैं बीएड वाले को अलाउ नहीं करूंगा, इनको ब्रिज कोर्स करना है, ये करना वो करना, और इसमें साइड कर दिया गया, इसमें इनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये खराब हो रहे थे। अब जो मैटर चल रहे हैं, तो क्या जो डीएलएड वाले हैं, अगर वो अच्छे नंबर नहीं लाए, जो पढ़ने वाले नहीं, उनका तो कम ही मार्क्स रहेगा, उनको तो 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, इनको तो रखना ही है भाई। तो इसमें क्या कमजोर छात्र जो हैं, जो पास नहीं किए हैं, जो कम मार्क्स भी लाए हैं, इसको भी रखा जाएगा? तो क्या यहां पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये खराब नहीं हो रहे, बीएड वाले को रखने से इनको खराब हो रहे थे, और 75% कैसा भी स्टूडेंट को रख लिया जाए तो यहां पर इनका कोई भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब नहीं हो रहा है, जबकि आर्टिकल 20A का ये इसमें बात किया गया है। तो यहां पर जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसमें इनका खराब नहीं होते हैं, बीएड वालों से खराब हो रहे हैं। अब यहां पर कल सुनवाई है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहेगा हम लोग के लिए एग्जाम रद्द को लेकर, और इसमें क्या हाईकोर्ट का फैसला आता है, यह बहुत ही बड़ा एक तरह का गेम चेंजिंग रहेगा। गेम चेंजिंग किसके लिए रहेगा, ये सारा बात कल ही फैसला होगा, दूध का दूध पानी का पानी सारा कल हो जाएंगे, क्या होने वाले हैं आगे, बहुत तरह का बात चल रहे हैं जब से नियमावली आई है। तो जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, कल का हाईकोर्ट का फैसला हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो मैं खबर दे रहा हूं ये तुरंत का खबर है, अभी तक आपको कोई भी नहीं दिया होगा। तो कल इसका सुनवाई है 29 तारीख को, और कल जैसे ही सुनवाई आता है मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा, और कल पूरा पत्ता साफ हो जाएंगे, जो भी कल होना होगा कल क्लियर हो जाएंगे। और जो चीज़ आप लोग परेशान हो रहे हैं बार बार, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी राजस्थान का बात चल रहे हैं, कभी यहाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहिएगा, कल जैसे ही फैसला आता है हाईकोर्ट का मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जरूर सपोर्ट करें इस चीज के लिए, अगर आज सपोर्ट नहीं किए तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा और आप लोग के हाथ से निकल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, कल का फैसला सबसे पहले मैं पूरे यूट्यूब पर आप लोग को अपडेट कर दूंगा।